एक बंदा बोलता है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरी बांसुरी बोलेगी और उसके बाद आपकी तालियां बोलेगी। चेतन वानखेड़े। एस डी बर्मन साहब फ्लूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, वो कभी कभी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फ्लूट का तो बहुत खूब इस्तेमाल करते थे। कई गाने ऐसे आएंगे जिसमें एस डी बर्मन साहब की चीज़ें निकल करके आएंगी, उभर करके आएंगी, और उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स। और आज हमारे यहाँ पर सचिन गुड़े और उनकी जो पूरी टीम है, उसका एक अचीवमेंट है कि चेतन जैसे आर्टिस्ट उनको स्टेज मिलता है और वो इतना अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। इश्क की बात हो, रुमानी बात हो, और आंखों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और उसमें फिर सिंगर कोई भी हो, उस दौर में जो भी चले, जो भी दौर, जो भी गाने बने, और गाना कैसा भी लिखा गया हो, लेकिन जो सिंगर की डिमांड होती थी बस वैसे ही होता है। अब देखिए इसमें मुकेश जी हैं इसमें, और मुकेश जी का गाना है, आपने भी कई बार सुना होगा, नैना है जादू भरे, ओए ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे, है ना। अब वो गोरी का क्या कहना था वो पता ही नहीं चला बाद में, लेकिन ये था कि ये बंदा तो अपनी तरफ से कहता ही था कि तेरे नैना है जादू भरे। चलिए सुनते हैं। हेलो, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे, नैना है जादू भरे ओ हम पे चुप जुलम करे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे, ओ तोरी नैना है जादू भरे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। चले पर देख न पाए चुप चुप वार करे, तीर चले पर देख न पाए चुप चुप वार करे, ओ गजरा लगा के नजर घुमा के सीने के पार करे, आए तेरी नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे, ओ हम पे चुप चुप जुलूम करे, ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। के प्याले झलक झलक झलके, बोले भाले मधु के प्याले झलक झलक झलके, ओ देख अदा तेरी उंगल के रह जाए जल जल के, ओ पूरी नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे, ओ हम पे चुप चुप जुलूम करे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे, ओ हम पे चुप चुप जुलूम करे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। थैंक यू।
श्री दिलीप पाटिल हमारे साथ में थे, यहाँ पर बने हुए थे और आपके सामने परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर श्री दिलीप पाटिल रिटायर्ड इंजीनियर हैं आप, और गाने मतलब गानों से संगीत से अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी बात रखी हुई है, बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।